आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर चाहे जीरोधा हो, एंजल वन हो, ग्रो हो, अपस्टॉक हो या एक्स वाई जी कोई सा भी ब्रोकर हो, अगर वो आपके पैसे लेकर भाग जाता है तो आपके स्टॉक्स का क्या होगा, आपके पैसों का क्या होगा, और क्या रियली ये जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं आपके पैसे लेकर भाग सकते हैं, आपके स्टॉक्स लेकर भाग सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि सबसे सेफ स्टॉक ब्रोकर आज की डेट में कौन सा है, और अगर ये आपके पैसे लेकर भागते हैं तो आपको क्या स्टेप्स फौरन से लेने चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट समझ लेते हैं कि किसी भी ब्रोकर के साथ है, चाहे जीरोधा के साथ है, चाहे आपका डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ है, चाहे आपका डीमैट अकाउंट ग्रो के साथ है, चाहे आपका डीमैट अकाउंट आप स्टॉक के साथ है या फिर किसी दूसरे स्टॉक ब्रोकर के साथ है, किसी के साथ भी आपका डीमैट अकाउंट हो सकता है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है और किसी ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं। चलिए मान लेते हैं कि आपका डीमैट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास है तो क्या वो आपके पैसे लेकर भाग सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हर किसी के मन में आता है जब वो इन्वेस्टमेंट करता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर वो स्टॉक ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाए, मतलब स्टॉक ब्रोकर का कारोबार पूरा ठप हो जाए, तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? ये एक सवाल जेन्युइन है और ये सवाल आपके मन में आना भी चाहिए। आइए जानते हैं कि इसका जवाब क्या है और डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट का क्या बनता है। तो आपको बता देते हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं, अब रेगुलेटर्स हमारे यहाँ पर कौन से हैं? रेगुलेटर्स हैं हमारे यहाँ पर सेबी। तो जो द रेगुलेटर्स हैव पुट इन प्लेस स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बोथ योर होल्डिंग्स एंड फंड्स इफ योर स्टॉक ब्रोकर डिफॉल्ट। अगर आपका स्टॉक ब्रोकर डिफॉल्ट होता है तो आपके अकाउंट में दो तरीके से पैसे होते हैं। पहला पैसा क्या होता है? होल्डिंग्स के रूप में, मतलब कि जो आपने कोई स्टॉक खरीद लिया वो होगा या नहीं। तो दूसरा क्या होगा? फंड होगा, जो आपने स्टॉक खरीदने के लिए अपने बैंक अकाउंट से अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। तो दो तरीके के पैसे स्टॉक ब्रोकर आपके चपत लगा सकता है। तो अब इन दोनों ही होल्डिंग्स को लेकर जो रेगुलेटर्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट्स हैं और काफ़ी बारीकी से चीज़ों को छानबीन करने के बाद वो किसी स्टॉक ब्रोकर को जो है लाइसेंस देते हैं। तो ऐसे में अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि होल्डिंग का आपके क्या होगा। आपकी होल्डिंग मतलब कि आपने जो शेयर्स खरीदे हुए हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इंडिया में अगर आपका होल्डिंग है तो आपके जो भी स्टॉक्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटरीज के पास डिपॉजिट रख सकते हैं। और जनरली आज की डेट में सभी के पास ऐसा ही होता है, क्योंकि आज की डेट में आपको कोई पेपर इशू नहीं किया जाता। आज के डेट में सभी के पास जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इसी फॉर्म में है, और ये दो डिपॉजिटरीज के पास सबमिट होते हैं। पहला डिपॉजिटरी है आपका CDSL, दूसरा है आपका NSDL। और ये जो डिपॉजिटरीज हैं इनके ही क्या होते हैं? इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ये ब्रोकर्स। और ये ब्रोकर्स क्या करते हैं? जो आपके शेयर्स हैं वो शेयर्स इनके पास डिपॉजिट करते हैं। तो इनडायरेक्टली होता क्या है कि ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉक को खरीदने और बेचने का एक मीडियम रहता है, बाकी नहीं। तो स्टॉक आप खरीदते जो हैं वो किसी पर्सन से खरीदते हैं और वो स्टॉक आपका डिपॉजिट होता है डिपॉजिटरी के पास। और अगर ये स्टॉक ब्रोकर इस केस में बैंकरप्ट भी हो जाता है या डिफॉल्ट कर जाता है तो सिक्योरिटीज क्या हैं? वो सेफ हैं बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो ब्रोकर आपका डिफॉल्ट हो चुका है, ब्रोकर आपका भाग चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा काम ये करना है कि आप दूसरा अकाउंट ओपन कराइए, और दूसरा अकाउंट ओपन करा के अपना जो शेयर्स है, जो आपकी होल्डिंग्स है, उसे आप अपने उस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा है, इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना जो शेयर है उसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये है, आपकी होल्डिंग का कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरा मुद्दा आता है कि हमारे फंड का क्या होगा। अगर हमारा फंड रहा और फंड रहते हुए अगर वो ब्रोकर डिफॉल्ट कर गया तो हमारा क्या होगा। तो यहां पर फिर सवाल आता है कि जो फंड है उसको लेकर अभी सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल यहां पर बना दिए हैं। अब क्या होता है, पहले इस तरीके के रूल्स नहीं थे, लेकिन अभी कैसे रूल है कि आपका फंड अगर आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है और आप उस फंड से ट्रेड नहीं कर रहे हैं
तो हर स्टॉक ब्रोकर को गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो जो भी आपने सेटलमेंट टाइम चुना है, 1 महीना चुना है, क्वार्टरली चुना है या हाफ ईयरली चुना है, आपको उस टाइम पर सेटलमेंट करके जो भी आइडल फंड आपका रहेगा डीमैट में वो आपके बैंक अकाउंट में वापस से भेज दिया जाएगा। एक तो ये बहुत अच्छा काम किया है सेबी ने। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर वो फंड उस बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया, उसके बाद आपका जो ब्रोकर है वो डिफॉल्ट कर गया, तो उस केस में DICDC गारंटी देता है आपके बैंक डिपॉजिट्स का। अगर आपका बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो इस केस में क्या है कि आपका जो 25 लाख तक का फंड है उसकी गारंटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंतर्गत आपको दिया जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको विद इन 3 ईयर्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन करते हैं, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो 25 लाख तक का जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसके जरिए आप अपना फंड रिकवर कर सकते हैं। तो हम इसीलिए कई बार आप लोगों को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताती भी हैं कि कभी भी आप अपने डीमैट में फंड को आइडल मत रखिए। वैसे भी फंड आइडल रखने का कोई सेंस नहीं होता, अगर आइडल रखना है तो अपने बैंक अकाउंट में रखिए, और उसके बाद जब आप अपने डीमैट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने के बाद आप उन पैसों से अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, और जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो स्टॉक्स फिर आपके ब्रोकर के पास नहीं रहकर वो स्टॉक्स पहुंच जाते हैं डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी चूंकि बहुत सेफ है इसीलिए वहां पर आपको किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सबसे सेफ और सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट या फिर यूं कहें कि स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो इस केस में जीरोधा आज की डेट में सबसे ज्यादा सेफ है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जीरोधा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है उसका 15% का शेयर अकेला जीरोधा के अकाउंट्स के थ्रू ही आता है। मतलब कि जीरोधा के यूजर्स ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, और ये टोटल तकरीबन 15% के आसपास बनता है जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और जीरोधा एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर है जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा मुनाफे में काम करता है, अदरवाइज बाकी जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो कई बार लॉस रिपोर्ट करते हैं और वो बहुत सारे खर्चों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं, लेकिन जीरोधा का ऐसा कोई सीन नहीं है, इसीलिए जीरोधा इस केस में बहुत ज्यादा सेफ है। और अगर आपने अभी तक जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आज ही उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में जरूर ओपन कराएं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से खतरे में आ जाता है, या फिर यूं कहें कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर भाग जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी चिंता की बात नहीं है, और ये आपको आंसर मिल चुका होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के और सवाल के बारे में जानना हो या कोई और आपको कंसर्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपके हर सवाल का आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।